किया जा रहा है, अगर नार्को टेस्ट विक्टिम की फैमिली का किया जा रहा है तो सबसे पहले नार्को टेस्ट तो आदित्यनाथ और उन तमाम पुलिस ऑफिशियल्स का होना चाहिए, क्योंकि वो भी लगातार योगी राज में और मोदी राज में भी, अगर आप औरतें हैं तो आपका कोई देश नहीं है, लेकिन अगर आप औरत हैं उसके साथ आप मुसलमान हैं या आप दलित हैं या आप गरीब हैं, तब तो आप समझ जाइए कि आप पता नहीं अब आप किसके भरोसे हैं, आपका कुछ नहीं हो सकता है। शिवानी जी, हाथरस की जो घटना देख रहे हैं आप? देखिए, हाथरस में जो वो हुआ है वो आज के दौर के बारे में बहुत कुछ बताता है। एक ऐसा दौर जब देश में फिरका परस्त ताकतें, जब फांसीवादियों का पूरा दबदबा बना हुआ है, जब सत्ता में ही वो लोग बैठे हुए हैं जो रेपिस्टों के समर्थन में रैलियां निकालते हैं, जब ऐसे लोग इस टाइम सत्ता में हैं जिनकी पूरी पॉलिटिक्स, जिनकी पूरी आइडियोलॉजी ही औरतों के खिलाफ है, दलितों के खिलाफ है, गरीबों के खिलाफ है, मुसलमानों के खिलाफ है, तो आप उम्मीद नहीं कर सकते उनसे। तो आज के समय में इस जगह पर इकट्ठा होने का मकसद ये है कि जो कहीं ना कहीं समाज में अगर मुर्दा शांति है उस शांति को तोड़ा जाए, उससे बाहर निकला जाए, और इन क्राइम्स का रूट कहाँ पर है, इन क्राइम्स का रूट हमें तलाशना पड़ेगा। हम एक इंसिडेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम जब से हाथरस की घटना हुई उसके बाद से यूपी में ऐसी 4 और 5 बार-बार और घटनाएं हुई हैं जिनमें ज़्यादातर दलित औरतें भी उनके रिसीविंग एंड पे थी और इन जनरल औरतें भी थी। ऐसे में आज के समय में मुझे लगता है कि ये देखना पड़ेगा कि जो फिरका परस्त ताकतें, जो फांसीवादी ताकतें आज इस देश में विराजमान हैं, उन्होंने खुला हाथ दिया है तमाम तरीके के अपराधी तत्वों को, तमाम तरह के ऐसे गुंडों को जो कि जानते हैं कि वो कुछ भी करेंगे कोई उनका बाल भी बांका नहीं कर सकता है। तो मुझे लगता है कि आज के दौर की एक प्रातिनिधिक घटना है हाथरस, और हमें बिल्कुल इसको, जो निज़ाम बैठा हुआ है, जो फांसीवादियों की सत्ता इस देश में, जो मोदी योगी और अमित शाह जिस पूरे नेक्सस को चला रहे हैं, अगर आप उससे नहीं जोड़ेंगे तो हम कहीं ना कहीं बहुत आइसोलेटेड तरीके से इस इंसिडेंट को देखेंगे। शिवानी जी, जो पीड़ित परिवार है उसी का नार्को टेस्ट होने की लगातार मांग उठ रही है, क्या कारण है जिन्होंने ये वारदात को अंजाम दिया उनका नार्को टेस्ट की बिल्कुल बात नहीं हो रही है? बिल्कुल, अब आप देख ही सकते हैं कि किस तरीके से जो सच बोलने वाली ताकतें हैं उनको लगातार डिस्क्रेडिट किया जा रहा है। अगर नार्को टेस्ट विक्टिम की फैमिली का किया जा रहा है तो सबसे पहले नार्को टेस्ट तो आदित्यनाथ और उन तमाम पुलिस ऑफिशियल्स का होना चाहिए, क्योंकि वो भी लगातार बयान पे बयान दिए जा रहे थे। तो सब चीज़ों को सर के बल खड़ा कर दिया गया है, जो सच है उसको झूठ बता दिया जा रहा है, जो सफ़ेद है उसको काला बता दिया जा रहा है, और यही आज का दौर है, अब इसके बारे में तो क्या बोला जाए। जिस परिवार के साथ ये वारदात होती है उसी को हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है, इसको किस नज़र से देखते हैं आप? नहीं, मैं देखिए इसमें आपको, आप जानते हैं कि वो जो फैमिली थी बहुत गरीब थी, वो बेसिकली खेत मजदूरों की फैमिली थी, उसके ऊपर से वो दलित, तो आप देखेंगे कि किस तरीके से अगर आप योगी राज में और मोदी राज में भी, अगर आप औरतें हैं तो आपका कोई देश नहीं है, लेकिन अगर आप औरत हैं उसके साथ आप मुसलमान हैं या आप दलित हैं या आप गरीब हैं, तब तो आप समझ जाइए कि आप पता नहीं अब आप किसके भरोसे हैं, आपका कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए आज के टाइम में आप न्यायपालिका से बहुत उम्मीद नहीं कर सकते हैं, आप सरकार से बहुत उम्मीद नहीं कर सकते हैं। आज सड़कों पर उतर के ये जो तमाम लंपट तत्व हैं जिनको बीजेपी, आरएसएस, वीएचपी जैसे तमाम ऑर्गेनाइजेशंस ने पनाह दी हुई है, आज इनको एक्सपोज करने की ज़रूरत है। आज औरतों को और तमाम इंसाफ पसंद नागरिकों को अपने स्क्वाड्स बनाने चाहिए और इनको माकूल जवाब दिया जाना चाहिए, वरना बहुत देर हो जाएगी। कहा जा रहा है कि सीबीआई जांच होने के लिए है, तो क्या लगता है सीबीआई जांच में सही? सीबीआई तो अमित शाह की जेब में, तो अमित शाह जो ऊपर से रिमोट कंट्रोल से बता देगा। जानती हूँ कि एसआईटी का गठन जो इन्होंने नौटंकी में किया है, वो एसआईटी भी क्या रिपोर्ट देने वाली है ये भी सबको पता है, तो इसलिए ये सब नौटंकी और ये इनको प्रेशर में आके करना पड़ रहा है, क्योंकि लगातार दिल्ली और देश के अलग अलग हिस्सों में इस पूरे जघन्य घटनाकांड के खिलाफ जो रोष सड़कों पर उतरा है उसकी वजह से सरकार को कुछ तो नौटंकी करनी पड़ेगी, तो वो नौटंकी करना चाहूँगा। किस तरीके से मिल पाएगा मनीषा को न्याय? ये जो हम यहाँ पर कर रहे हैं ये उसका एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन आज हमें ये एक रेप की या एक मर्डर की बात नहीं है, ये जब तक रहेंगे तब तक किसी भी औरत का जीना नामुमकिन है। इसलिए आज पूरी लड़ाई को हमें और भी बड़ा करना पड़ेगा, इसको और व्यापक दायरे में ले जाना पड़ेगा, तभी एक मनीषा को न्याय मिलेगा और तभी सभी
जो विक्टिम्स हैं इस पूरे सिस्टम की, उनको न्याय मिल पाएगा।